वर्षों से जीर्णोद्धार की बाट जो रहा विश्व का एकमात्र पौराणिक जगत पिता ब्रह्मा का मंदिर, अब प्रदेश की गहलोत सरकार के आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौर और देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत के प्रयासों के बाद अब जीर्णोद्धार की तरफ कदम बढ़ा रहा है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ओर से मंदिर के बाहरी क्षेत्र में मरम्मत का कार्य करने की अनुमति मिलने के बाद अब जगत पिता ब्रह्मा मंदिर के अस्थायी प्रबंध समिति के अध्यक्ष जिला कलेक्टर अंशदीप ने इसकी कवायद शुरू कर दी है। सोमवार को जिला कलेक्टर अंशदीप ने पुष्कर पहुंचकर मंदिर प्रबंध समिति की बैठक आयोजित की। इस दौरान अस्थायी प्रबंध समिति के सचिव उपखंड अधिकारी सुखाराम पिंडेल सहित कस्बे के तमाम सरकारी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। जिला कलेक्टर अंशदीप ने बताया कि आगामी कार्तिक मेले को लेकर स्थानीय प्रशासन तैयारियों में जुटा है। अगले 2 महीने के अंदर मंदिर के दर्शनार्थियों के लिए रूट का निर्माण किया जाएगा, जिससे आसानी से दर्शनार्थी जगत पिता ब्रह्मा मंदिर में दर्शन कर पाएंगे। 2 महीने के अंदर मंदिर की मरम्मत का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। मरम्मत के अंतर्गत जर्जर बड़े भवनों को पुनः छोड़कर वापस नया बनाया जाएगा। देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए शौचालय और पेयजल की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कार्यकाल में बने उनके ड्रीम प्रोजेक्ट जगत पिता ब्रह्मा मंदिर के एंट्री प्लाजा को भी शुरू कर दिया जाएगा और उसी के माध्यम से प्रवेश और निकासी की व्यवस्था की जाएगी, जिसको लेकर 3 दिनों में व्यवस्थित रूपरेखा तैयार कर ली जाएगी। जगत पिता ब्रह्मा मंदिर में बैठक के बाद जिला प्रशासन ने मेला मैदान का रुख किया, जहाँ तमाम सरकारी अधिकारियों के बीच आगामी मेले को लेकर व्यवस्थाओं के संबंध में चर्चा की गई। अब देखिए, अभी पिछले कई सालों से ब्रह्मा मंदिर के अंदर और आसपास जीर्णोद्धार का जो काम है रुक रखा था, क्योंकि ASI और NMA से जो परमिशन है वो नहीं आ रही थी। अब अच्छी बात यह है कि परमिशन हमारे पास में आ गई है बाहर के जो जितने काम है उसको करवाने के लिए। इस बार अभी पहला फोकस हमारा रहेगा कि अभी जो मेला लगना है उसके हिसाब से व्यवस्था करवाई जाए। तो आज हमने SP साहब ने, SDM साहब ने और पूरी टीम जो मंदिर कमेटी है उन्हें पूरा विजिट किया है। कोशिश यही रहेगी कि अगले 2 महीने के अंदर हम ऐसा रूप तैयार करा दें कि जितने भी यात्री आ रहे हैं उनके लिए व्यवस्था सुगम भी हो जाए और अच्छी से अच्छी व्यवस्था हो जाए। तो हमें पूरी आशा है कि अगले 2 महीने के अंदर वो काम हो जाए। बाकी मंदिर डेवलपमेंट के हिसाब से बाहर के जो काम लेने हैं उसके हिसाब से भी हम लोगों ने प्लानिंग किया है और आने वाले समय के अंदर हमें पूरी आशा है कि इस काम को भी जल्दी से डेवलपमेंट करवा दें। यहाँ जो अभी भी श्रद्धालु आ रहे हैं उसके लिए और अच्छी से अच्छी व्यवस्था, और जितना बाहर के एरिया के अंदर एंट्री प्लाजा भी आता है तो उसको भी व्यवस्था वहाँ से ठीक करवा के वहीं से एंट्री और एग्जिट का व्यवस्था वहीं पर बनाने का प्लान। अब देखिए, जो अभी बाहर वाले जितने कार्य हैं उसके अंदर हमारा चाहे एंट्री प्लाजा को तैयार करवाना है, चाहे बाहर से रैंप तैयार करना है, बाहर के जो शौचालय हैं जो पुराने हो गए, जो बिल्डिंग है उसके डिमोलिशन की पावर भी आ गई, उसके डिमोलिशन की परमिशन भी आ गई है, और जैसे अभी हम बाहर जूते रखने की जो व्यवस्था है उसकी व्यवस्था कराने की बात की है, शौचालय की व्यवस्था की है, प्याऊ की व्यवस्था कराई है, तो सबका जो प्लान है अपन उसको लेकर मेजर हमारा जो भीड़ है हम कोशिश करेंगे एंटी प्लाजा की तरफ से भेजें और एंटी प्लाजा की तरफ से निकालें। उसके लिए किस हिसाब से रूट तैयार करना है उसका पूरा प्लान है जो अगले 3 दिवस के अंदर तैयार हो जाए। बाकी उससे हमारे को व्यवस्था फ़ायदा ये हो जाएगा कि वहाँ पर हमारे पास अच्छा खुला एरिया है जहाँ पर भीड़ होने की या फिर स्टैम्पिड टाइप के होने की व्यवस्था संभावना कम होगी। इसमें बंद नहीं होगा, वहाँ पे कम करवाया जाएगा और उसको और व्यवस्थित रूप से चलाया जाएगा।